हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। टुडे वी आर डिस्कसिंग क्लास नंबर 9 फॉर द क्रैश कोर्स फॉर DSSSB PGT कंप्यूटर साइंस। सो जो भी स्टूडेंट DSSSB PGT कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्रैश कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको कुछ पे नहीं करना, जस्ट आपको ये क्लासेस एक्सेस करनी है और क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करे। उसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेशन वहीं पे मिलती है। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और ये क्रैश कोर्स आपको कैसा लग रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं तो आप इस क्लास के बाद प्रीवियस क्लासेस भी देखें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। उसके साथ ही जो फर्दर आपको टॉपिक चाहिए कि किस टॉपिक से रिगार्डिंग आप क्लासेस चाहते हैं, आप उस टॉपिक से रिगार्डिंग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ हमने कुछ सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। हमारा पैटर्न जो है क्लासेस का वो रहता है, एक दिन हम टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। सारे टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किए जाते, लेकिन हाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। देन नेक्स्ट डे उन्हीं टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो आई होप ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इससे पहले हमने HTML से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, क्योंकि HTML से प्रीवियस DSSSB PGT एग्ज़ाम में 10-15 क्वेश्चंस पूछे गए थे HTML से। आज की क्लास में हम XML के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि XML से भी प्रीवियस एग्ज़ाम में 7-8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं XML से। और जो HTML है, XML है, ASP.NET, JavaScript, C++, इनका आपको ज़्यादा कंटेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फिक्स लिमिटेड से टॉपिक्स हैं, लिमिटेड से पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको भी याद रख लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस वहां पे बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट होंगे, क्योंकि DSSSB में नेगेटिव मार्किंग भी है। जब तक आपको करेक्ट ऑप्शन का नहीं पता होगा तब तक आप राइट आंसर चूज़ नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ पे अगर आपको सपोज़ दो ऑप्शंस का पता है तो आप उनमें से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है कि बेसिक कंसेप्ट क्या हैं उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के, तो आप क्वेश्चन को हिट नहीं कर पाएंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अगर आप अपने सब्जेक्ट में करते हैं तो भी आप अपना एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा XML, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इस XML के रिगार्डिंग, सब टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं उनको देखेंगे। कल की क्लास में हम XML के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि PGT लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सिर्फ DSSSB वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को ही नहीं, उसके साथ साथ DSSSB और जो भी PGT लेवल पे आपके एग्ज़ाम होते हैं, KVS, NVS, APS, जिसमें HTML से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवरअप करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ XML। XML कैसे बना है? XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और एक्सटेंसिबल में से इस X को पिक किया है, मार्कअप से M एंड लैंग्वेज से L, यही तीन इसकी एब्रिवेशन है। सो XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉर एनकोडिंग एंड एनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्मेट दैट इज़ बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। यानी कि XML के अंदर हम कुछ रूल्स को डिफाइन करते हैं ताकि वो उस डॉक्यूमेंट को एनकोड कर सके उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, वो ह्यूमन रीडेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी रहे और मशीन रीडेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी रहे। यानी कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे ह्यूमन रीड करना चाहता है तो भी उसको समझ आए और अगर मशीन रीड करना चाहती है तो भी उसको समझ आए। इस प्रकार से हम कुछ सेट ऑफ रूल्स उसके अंदर डिफाइन करते हैं। XML टैग्स आइडेंटिफाई द डेटा
बेसिकली XML के अंदर जो XML टैग्स हैं वो डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं एंड यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा. स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा को, आइडेंटिफाई किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. कुछ करेक्टरिस्टिक हैं XML की, तो मेन करेक्टरिस्टिक तीन ही करेक्टरिस्टिक हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं XML से रिगार्डिंग. XML क्या है? एक एक्सटेंसिबल है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास प्री डिफाइंड टैग नहीं होते. देर विल बी नो प्री डिफाइंड टैग. प्री डिफाइंड टैग नहीं होते, हम अपने खुद के टैग्स को जनरेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. यू मस्ट डिफाइन योर ओन टैग. आप अपने खुद के टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं XML में. XML carries data, does not present it. XML जो है वो डेटा को कैरी करके रखता है, ना कि उसको प्रेजेंट करता है. यानी कि जिस तरीके से HTML में होता था, HTML में क्या था, HTML बेसिकली डेटा को रिप्रेजेंट करता था, डेटा को रिप्रेजेंट करता था, जबकि यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, कैरी किया जाता है, रिप्रेजेंट नहीं किया जाता. अलाउ टू स्टोर द डेटा इरिस्पेक्टिव हाउ इट विल बी प्रेजेंटेड. वो प्रेजेंट कैसे हो रहा है, ये काम करते हैं हम HTML में, लेकिन उस डेटा को स्टोर किया जाता है XML में. XML इज़ ए पब्लिक स्टैंडर्ड. XML क्या है? एक पब्लिक स्टैंडर्ड है. XML को डेवलप किया गया था ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू. कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? W3C. ये पॉइंट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. XML वाज डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड WC3. WC3 स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एंड इज़ अवेलेबल एज एन ओपन स्टैंडर्ड. ये बेसिकली ओपन स्टैंडर्ड में अवेलेबल है. इसके अलग अलग वर्जन हैं XML के, लेकिन स्टार्टिंग में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, डेवलप किया गया था WC3 ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. ठीक है, और ये एक एज अ ओपन सोर्स अवेलेबल है. नेक्स्ट वन इज XML कैन बी यूज टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिस्टम. यानी कि XML को हम बेसिकली यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए. इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए मीन्स ऑर्गेनाइजेशन टू सिस्टम, इन दोनों के बीच में अगर हमें अपनी कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है तो भी हम वहाँ पे XML को यूज़ कर सकते हैं. XML कैन बी स्टोर एंड अरेंज द डेटा. XML डेटा को स्टोर करता है, उसको अरेंज करता है. XML is used for offloading and reloading of database. Suppose अगर हमें डेटाबेस से कोई डेटा चाहिए तो उसको रीलोड कर सकता है, ऑफलोडिंग कर सकता है, उसके अंदर उस डेटाबेस को स्टोर कर सकता है. एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन XML डॉक्यूमेंट. किसी भी टाइप के डेटा को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं XML डॉक्यूमेंट में. कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ वो टेक्स्ट हो सकता है, तो किसी भी टाइप का आपके पास डेटा हो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं XML डॉक्यूमेंट में. नेक्स्ट वन इज इसके अंदर आता है XML डिक्लेरेशन. क्या है XML डिक्लेरेशन? XML डिक्लेरेशन बेसिकली जो हमारे XML के सिंटेक्स रूल्स हैं उनके फर्स्ट जो स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है? XML डिक्लेरेशन. और वो स्टेटमेंट नेसेसरी स्टेटमेंट नहीं है, वो कैसी है? ऑप्शनल है. XML डॉक्यूमेंट कैन ऑप्शनली हैव एन XML डिक्लेरेशन. तो नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि XML डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ज़रूरी हो, लेकिन हाँ अगर है तो वो पहली बात तो वो ऑप्शनली है, और अगर है तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी. उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है XML डिक्लेरेशन का? ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, देन क्वेश्चन मार्क, XML, एंड देन वर्जन को एक्सप्लेन किया जाता है, वर्जन लिखा जाता है कौन सा वर्जन है, एंड एनकोडिंग की कौन से करेक्टर्स आप एनकोड कर रहे हैं तो उनका फॉर्मेट लिखा जाता है. सो वेयर वर्जन इज़ द XML वर्जन. XML का वर्जन क्या है? यहाँ पे 1.0 XML वर्जन है. एंड एनकोडिंग स्पेसिफाई द करेक्टर एनकोडिंग यूज्ड इन डॉक्यूमेंट. उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कौन से करेक्टर्स को एनकोड किया गया है उनका नंबर लिखना होता है, उनका फॉर्मेट लिखना होता है. तो इस तरीके से हम XML को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि ओपनिंग ब्रैकेट, देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन XML. XML हमारा किस में लिखा जाएगा? स्मॉल केस लेटर में लिखेंगे. XML को किस में लिखेंगे? स्मॉल केस लेटर में. स्मॉल केस लेटर्स में लिखा जाएगा XML को, एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट. इसके बीच में आप इसका
वर्जन लिख सकते हैं उसको आप इन्वर्टेड कोमा में एनक्लोज करेंगे और उसके साथ ही आप उसकी एनकोडिंग कैरेक्टर लिख सकते हैं कि कहाँ से आपने उन कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई किया है। नेक्स्ट वन इज़ रूल्स फॉर XML डिक्लेरेशन। XML डिक्लेरेशन अगर हमें सिंटेक्स लिखना है तो उसके लिए बेसिकली रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो XML डिक्लेरेशन इज़ अ केस सेंसिटिव। सबसे पहली बात, जो XML डिक्लेरेशन है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स अगर आपने सपोज XML लिखा या फिर एक जगह लिखा XML, तो ये दोनों बातें डिफरेंट होंगी, यानी कि अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर अलग अलग से रिप्रेजेंट किया जाएगा, केस सेंसिटिव होंगे XML डिक्लेरेशन। जबकि जो HTML टैग्स थे, HTML एलिमेंट्स थे, वो हमारे कैसे थे, केस नॉट अ केस सेंसिटिव। उनमें हम अपर केस में भी लिख सकते थे, लोअर केस में भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द XML डिक्लेरेशन स्ट्रिक्टली नीड्स टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द XML डॉक्यूमेंट। अगर XML डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी। अगर हमारी XML डिक्लेरेशन है XML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी, कहीं और नहीं आ सकती। पहली बात तो वो हमारी ऑप्शनल है, मे बी हो सकती है, मे बी ना हो, लेकिन अगर होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी और केस सेंसिटिव होगी। XML को हम स्मॉल केस लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंटेक्स हमने अभी देखा है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन उसके बाद आते हैं एलिमेंट सिंटेक्स। एलिमेंट सिंटेक्स बेसिकली वो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो उस एलिमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन टैग एंड एंड टैग या फिर क्लोजिंग टैग। ओपन टैग और एंड टैग और क्लोजिंग टैग, सेम जैसे HTML में रिप्रेजेंट करते थे ओपनिंग टैग को सिर्फ ब्रैकेट्स में और क्लोजिंग टैग को ब्रैकेट विद फॉरवर्डेड स्लैश, ठीक है। और जो भी यहाँ पे टैग्स यूज होंगे, जितने भी टैग्स यूज होंगे हमारे XML के अंदर, वो ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों होंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ। कोई भी टैग ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ओपनिंग टैग हो, क्लोजिंग ना हो। जितने भी टैग यूज़ किए जाएंगे XML के अंदर, वो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होंगे। और एम्प्टी टैग बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारा ओपनिंग टैग होता है और जो क्लोजिंग टैग होता है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसके बीच में हम जो भी डेटा लिखते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम जो भी डेटा लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट। दैट मीन्स अगर किसी टैग के बीच में कंटेंट क्या हो, कंटेंट हो ही ना, कंटेंट क्या हो, एम्प्टी हो, तो उस पर्टिकुलर टैग को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी टैग। जहाँ पे कंटेंट एम्प्टी हो, यानी कि सपोज हॉरिजेंटल HR, बीच में कोई भी कंटेंट नहीं है, देन HR क्लोजिंग टैग, तो ये कैसा टैग होगा हमारा, एम्प्टी टैग। कैसा टैग होगा, एम्प्टी टैग। इस तरीके से हम बेसिकली एम्प्टी टैग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देन फर्स्ट आता है हमारा रूट एलिमेंट। सबसे पहला क्या आता है, रूट एलिमेंट, क्योंकि जो हमारे XML डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर सबसे पहला आएगा रूट एलिमेंट, देन चाइल्ड एलिमेंट, देन सब चाइल्ड एलिमेंट, अगर उसके भी फर्दर सब चाइल्ड हैं, एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस, देन सब चाइल्ड का क्लोजिंग टैग, फिर उसी पैटर्न में ये क्लोज होंगे, देन चाइल्ड एलिमेंट का क्लोजिंग टैग एंड देन रूट एलिमेंट का क्लोजिंग टैग। इस तरीके से बेसिकली हम अपने XML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें रूट एलिमेंट जो होगा उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आप याद रख सकते हैं, एन XML डॉक्यूमेंट कैन हैव ओनली वन रूट एलिमेंट। सबसे पहली बात, XML के अंदर रूट एलिमेंट कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा। XML एलिमेंट कैन हैव अ क्लोजिंग टैग। जो XML एलिमेंट है, अगर वो मतलब सपोज अगर हमने रूट एलिमेंट बना लिया, जनरेट कर लिया, तो उसका अगर ओपनिंग टैग हुआ है तो क्लोजिंग टैग भी होगा। XML टैग कैसे हैं हमारे, केस सेंसिटिव होते हैं। ऑलवेज कोट्स द XML एट्रीब्यूट वैल्यूज़। अगर वहाँ पे हमने एट्रीब्यूट वैल्यूज़ लिखी हैं,
अगर हमने अपने HTML टैग्स के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स लिए हैं तो उनकी वैल्यूज़ को इनक्लोज किया जाएगा कोटेशन में, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे जिसके थ्रू हम अपने एलिमेंट्स को XML पेज के लिए जो सिंटेक्स रूल होते हैं HTML पेज के लिए, सॉरी XML पेज के लिए, XML जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए जो सिंटेक्स रूल्स होते हैं वो रूल्स हैं कि क्लोजिंग टैग ज़रूर होगा, केस सेंसिटिव होंगे, हमेशा हम उनको एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को कोट करेंगे, कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं आप, कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी XML टैग्स होंगे वो प्रॉपरली नेस्टेड होंगे, यानी कि जो टैग जिस टाइम पे ओपन हुआ है अगर वो स्टार्टिंग में ओपन हुआ है तो वो क्लोज भी लास्ट में होगा। तो मतलब एक प्रॉपर नेस्टेड फॉर्म होगी उनकी XML टैग्स की। देन नेक्स्ट आता है कुछ टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, XML स्कीमा। XML स्कीमा होता क्या है? XML स्कीमा इज़ अ डेफिनेशन लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ XML डॉक्यूमेंट। बेसिकली जो हमारा XML डॉक्यूमेंट होता है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो हमने डेफिनेशन लैंग्वेज ली है उसको हम क्या कहते हैं? XML स्कीमा। उसको हम क्या कहते हैं? XML स्कीमा। सो XML स्कीमा इज़ अ डेफिनेशन लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ XML डॉक्यूमेंट। हमारा XML डॉक्यूमेंट का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है उसको डिफाइन जहाँ पे किया जाता है वो क्या होता है? XML स्कीमा। वैलिड XML डॉक्यूमेंट, वैलिड XML डॉक्यूमेंट हम किसे कहेंगे? इफ़ इट हैज़ अ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। अगर कोई XML डॉक्यूमेंट वैलिड है तो उस XML डॉक्यूमेंट को वैलिड कब कहा जाएगा? सबसे पहली बात, अगर वो XML डॉक्यूमेंट DTT रखता है, अगर उस XML डॉक्यूमेंट का DTT है, DTT मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता क्या है? यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इफ़ इट हैज़ अ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन और XML स्कीमा असोशिएटेड विद इट, या तो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन हो या फिर XML स्कीमा हो जो कि वहाँ पे असोशिएट किया गया हो, एंड इफ़ डॉक्यूमेंट कंपाइल विद इट, और वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट उसके साथ बेसिकली कंपाइल किया जाएगा। तो वैलिड XML डॉक्यूमेंट कब होगा? या तो उसका डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन हो या फिर उस पर्टिकुलर XML डॉक्यूमेंट का स्कीमा असोशिएट किया गया हो उसके साथ जो कि कंपाइल होगा उस डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट। हमारे जो XML डॉक्यूमेंट है उनमें वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट किसे कहेंगे? XML डॉक्यूमेंट विद करेक्ट सिंटेक्स इज कॉल्ड वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट। जहाँ पे हमारा XML डॉक्यूमेंट है अगर वो XML डॉक्यूमेंट प्रॉपर करेक्ट सिंटेक्स के साथ है, प्रॉपर करेक्ट सिंटेक्स के साथ है, दैट मीन्स वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट। तो वो डॉक्यूमेंट कैसा है? वो डॉक्यूमेंट कैसा है? वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट। अगर कोई XML डॉक्यूमेंट करेक्ट सिंटेक्स रखता है तो उसको हम क्या कहेंगे? XML, वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट। अगर वहाँ पे सिंटेक्स कुछ इनकरेक्ट हो जाता है तो वो वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट नहीं कहा जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज़ DTT। DTT क्या था? हमारा डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन सो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन डिफाइन करता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को, XML डॉक्यूमेंट के बिल्डिंग ब्लॉक को डिफाइन करता है। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन डिफाइंस द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। इट डिफाइन डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, बेसिकली उस डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा विद अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। जो जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स यूज हुए हैं, जो जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनकी प्रॉपर लिस्ट डिफाइन करेगा, उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक को ही हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट डेट
टाइप डेफिनेशन, इट कैन बी डिफाइंड इनसाइड और आउटसाइड अ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन को हम इंटरनली भी डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स एक्सटर्नली भी डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को हम इनसाइड भी डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम एक्सटर्नल रेफरेंस के थ्रू भी, एक्सटर्नली भी रेफरेंस करके उसको डिफाइन किया जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है। सो इंटरनल डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या होगा? इंटरनल डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, जिसके अंदर बेसिकली एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को इनसाइड डिफाइन किया जाता है, यानी कि इंटरनली डिफाइन किया गया है। स्टार्टिंग में ओपन ब्रैकेट, देन दिस सिंबल, एंड देन डॉक टाइप, देन रूट एलिमेंट, एंड देन एलिमेंट डिक्लेरेशन। ये हमारा किस तरीके से डिफाइन हुआ है? इंटरनली डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है, इंटरनली डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है। बेसिकली इंटरनली टाइप, जब भी हम इंटरनली या एक्सटर्नली डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को डॉक टाइप डेफिनेशन के अंदर रैप किया जाता है, डॉक टाइप। और डॉक टाइप से पहले हम ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी। देन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ओपन ब्रैकेट, देन सिंबल, डॉक टाइप, रूट एलिमेंट, एंड देन सिस्टम, यहाँ पे क्या आएगा? फाइल नेम। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? फाइल नेम, यानी कि एक्सटर्नली डिफाइन किया है, सिर्फ उसका फाइल नेम लिखा, यानी कि एक्सटर्नली डिफाइन है, ठीक है। उसको हमने डिफाइन कर दिया किसी एक्सटर्नल फाइल में। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन की जो डॉक्यूमेंट है उसको डिफाइन किया जाएगा डॉक टाइप डेफिनेशन के थ्रू, डॉक टाइप डेफिनेशन के थ्रू। यहाँ पे उस एलिमेंट को यहीं पे डिक्लेयर किया गया था, यहाँ पे उस एलिमेंट का सिर्फ हमने फाइल नेम लिखा है, तो एक्सटर्नली डिफाइन किया गया है। तो आपको ये दोनों सिंटेक्स पता होने चाहिए। कई बार एग्जाम में सिंटेक्स पूछा जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से रिगार्डिंग। सो नेक्स्ट आता है, उसके बाद आती है जो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन की, इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। सो बेसिकली अगर हम बात करें, जो एक्सएमएल फाइल हैं वो उनका खुद का अपना एक फॉर्मेट होता है जिसको वो डिस्क्राइब करती हैं। डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, एक्सएमएल फाइल कैरीज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स ऑन फॉर्मेट। वो अपने खुद के फॉर्मेट के अंदर XML फाइल्स का डिस्क्रिप्शन कैरी करती हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। और बेसिकली डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन को यूज़ किया जाता है टू वेरीफाई द डेटा, डेटा को वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो यही दो मेन इम्पोर्टेंस है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन की। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ एक्सएमएल। कुछ पॉइंट्स थे जो कि उसके करेक्टरिस्टिक के अंदर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, तो उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सो एक्सएमएल बेसिकली हमारी कैसी फाइल होती हैं? टेक्स्ट फाइल होती हैं। इनको बेसिकली हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली इन टेक्स्ट फाइल्स को, टेक्स्ट हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है। एक्सएमएल जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर जो सिंटेक्स रूल हैं वो बहुत कम है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का, और एक्सएमएल हमें बेसिक सिंटेक्स प्रोवाइड कराता है अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में, अलग अलग एप्लीकेशंस पे और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे। बेसिकली एक्सएमएल प्रोवाइड्स बेसिक सिंटेक्स दैट कैन बी यूज्ड टू शेयर इन्फॉर्मेशन
बिटवीन इंफॉर्मेशन किस किस के बीच में शेयर कर सकते हैं, बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग एप्लीकेशंस के अंदर, अलग अलग पीसीज के अंदर हम अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट. और ये एक्सटेंसिबल होता है, ये तो हमने मेन थ्री करेक्टरिस्टिक में डिस्कस किया था कि ये एक्सटेंसिबल होता है. यहाँ पे हम अपने खुद के टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, और ये ह्यूमन रीडेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, मशीन रीडेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों तरीके से इजी होता है. उसके बाद आता है डिफरेंस, देख लेते हैं HTML और XML में. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है HTML और XML के अंदर डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो HTML और XML दोनों से मिला के क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो अगर आपको इनके डिफरेंस भी पता चल जाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो बेसिकली अगर हम बात करें HTML को, तो HTML को बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, टू डिस्प्ले द डेटा, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, टू डिस्प्ले द डेटा कि हमारा डेटा किस टाइप से दिख रहा है, हमारा डेटा वेब सर्वर पे किस टाइप से दिखेगा. और XML को किस लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली टू स्टोर डेटा कि कौन सा डेटा है और उसको स्टोर कैसे किया गया है, व्हाट द डेटा, डेटा क्या है और उसको स्टोर कैसे किया गया है. यहाँ पे बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अलग अलग इंडिपेंडेंट टूल्स को यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए. और बेसिकली ये दोनों हमारी मार्कअप लैंग्वेज हैं. दोनों कैसी हैं, मार्कअप लैंग्वेज. XML और HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये दोनों हमारी मार्कअप लैंग्वेज हैं. इसके अंदर हम बेसिकली लैंग्वेज को प्रेजेंट करते हैं. HTML क्या है, एक प्रेजेंटेशन है कि किस टाइप से हमारा डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है, और XML उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, बेसिक सिर्फ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क कि वो डेटा किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं. तो ये काम कौन करता है, XML. और HTML कैसा था, नोट केस सेंसिटिव. HTML के अंदर हमारे जो टैग्स थे, एलिमेंट्स थे, वो कैसे थे, केस सेंसिटिव नहीं थे, जबकि XML के अंदर कैसे हैं, सेंसिटिव, केस सेंसिटिव. सो मेन डिफरेंस तो यही है, सेंसिटिव, केस सेंसिटिव. यहाँ पे प्री डिफाइंड टैग थे पहले से ही, प्री डिफाइंड टैग, जबकि XML के अंदर आप अपने खुद के टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं, नॉट ए प्री डिफाइंड टैग. आप अपने खुद के टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं. और बेसिकली ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये डाटा को डिस्प्ले करता है और ये डाटा को कैरी करता है, स्टोर करता है, कैरी करता है, स्टोर करता है. सो ये कुछ मेन डिफरेंसेस थे HTML और XML के अंदर. सो आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा. फर्दर अगर XML या HTML के किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम XML से रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, XML से रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं. और ये क्लास कैसी लगी है इसका फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो फ्री क्रैश कोर्स है DEE BBBS PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, ये क्रैश कोर्स कैसा लग रहा है. और HTML में कोई डाउट है, या HTML XML में, या फिर फर्दर किसी अनदर सब्जेक्ट के अंदर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो आज की क्लास के लिए इतना ही. कल की क्लास में मिलते हैं किसी भी न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.